हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आप वहां से कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से। क्या दिया हुआ है? 4√3 + 2√7। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? सीधे देखिए, आप जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसकी माइनस वैल्यू से आपको क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। क्या हो जाएगा? 4√3 − 2√7 अपान 4√3 − 2√7 ये हो जाएगा आपका। जैसे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? देखिए, चलिए यहीं कर दे रहे हैं। इसका आपने जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा? बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करा दीजिए, रूट से रूट का मल्टीप्लाई कराना होगा इसमें। तो क्या हो जाएगा? 4 × 16। पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई कराना है। ये तो मल्टीप्लाई कराना तो आपको पता ही होगा, क्लास 9th में है। तो क्या हो जाएगा? 4 × 16 रूट में कितना हो जाएगा? 17। रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा 21। फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 × 9 = 8। रूट में कितना हो जाएगा? रूट से √7 है, √7 तो क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे √7 और √7 का मल्टीप्लाई किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। रूट से रूट हमारा कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ये चीज़ आपको हर जगह काम देगी, इतना आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा, ना ही किसी प्रकार का आपको मल्टीप्लाई कराना, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाना है। बस आगे क्या लिख दीजिए? अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कराना है तो क्या हो जाएगा? 6 × 24 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 6 × 12 रूट में कितना हो जाएगा? 21 इतना हो जाएगा। और अपान में कितना आ जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ, ए प्लस बी और ये कितना है? ए माइनस बी, दिख रहा है ना आपको यहाँ। तो आपका फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको हमने कई बार बताया है और ये फार्मूला आपके सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा। तो क्या कर दीजिएगा? 4√3 − 2√7 कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे वाले का डिनोमिनेटर को, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको, चलिए पहले ऊपर कर देते हैं, 16√21 − 56 − 24 तीन कितना होता है? 72 प्लस में 12√21 अपान में कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 √3 √3 इतना हो जाएगा ये, −2 × 2 √7 × √7। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई ऐड करके लिखेंगे, देखिए ये दोनों प्लस प्लस के और ये दोनों माइनस माइनस के, तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना है? √ जरूर देख लीजिएगा, सेम √ वाले ही मैच करना है सेम, और ऐसे नहीं मैच कर देना है आपको, ऐड कर देना है। देखिए मैच कर रहा है ना ये दोनों, तो आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 16 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 2 = 18 √21 अपान माइनस, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 × 2 = 8 + 7 = 5 = 12 अपान में कितना आ जाएगा आपका? 4 × 16 इसका हमने बताया था ना आपको ऊपर, रूट से रूट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बस अंदर की वैल्यू निकाल के रख देना है बस। तो क्या करना है? 3 × 4 = 16 = 48 माइनस 2 × 2 = 4 इतना 7 हो जाएगा। तो 2 × 2 = 7 कितना हो जाएगा? 7 × 28 ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं, तो अब कितना आ जाएगा ये? 28
अंडर रूट में 21 माइनस 128 अपान में कितना आ जाएगा 20। आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू 4 से हमारी कट जाएगी, 4 से इसको काट दीजिए 5 बार जाएगा और 4 से इसको भी काट दीजिए, 4 × 3 = 4 × 2 = 8 और 7 × 28 तो कितना आ जाएगा 7 रूट में 21 माइनस 32 अपान में 5। अभी आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 अपान में 5 रूट में 7 रूट में 21 माइनस 32, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, इस तरह हम आपको सरल तरीके से क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 4√3 प्लस 5√2 अपान अंडर रूट में 48 प्लस अंडर रूट में 18। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होने जा रहा है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। इसको आप समझ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। 12 क्वेश्चन के आपको सारे क्वेश्चन जितने भी चारों हैं, ये चारों भाई आप एक ही क्वेश्चन से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तुरंत। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान समझना है, क्या करना है, जैसे डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करना है तो क्या है, ये माइनस दिया तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस से इंटू कराना है, ये प्लस दिया हुआ है तो 4√3 प्लस 5√2 अपान में क्या दिया है, अंडर रूट में 48 प्लस में अंडर रूट में 18, माइनस से आपको मल्टीप्लाई करा देना है तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस अंडर रूट में 18 अपान में 48 माइनस में रूट 18। जिसे आपने इसको मल्टीप्लाई कराया इसमें तो क्या हो जाएगा, 4√3 मल्टीप्लाई 48, फिर इसका इसमें मल कराएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 4√3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18, फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसका कराना है इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे प्लस 5√2 और अंडर रूट में 48। हमने ऊपर ये बताया था आपको कि अगर सेम हो तभी ये रूट कटते हैं, ये देखिए अलग अलग हैं तो इसमें रूट कटना नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई ही होना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस 5√2 अंडर रूट में 18, इसका इसमें कराएंगे मल्टीप्लाई तो यही आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा आपका, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला निकल के आ रहा है दोनों में, तो क्या कर देंगे, हमारा ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो क्या कर देना है आपको, अंडर रूट में 48 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 18 का स्क्वायर कर देना है, बस सीधे आपको इतना कर देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा इसलिए आपको ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे क्या करते हैं, जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई कराया, ये रूट में है ना 48, हाँ जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, 4√144 8 × 24 = 8 × 3 = 12 = 12 = 14 हो जाएगा। ठीक है, 144 माइनस 4 × 18 = 54 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5√ में कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा, 96 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 5√ में 36 हो जाएगा, 18 × 9 = 36। जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई कराया ये आ गया, इस तरह आपको मल्टीप्लाई ध्यान से कराना है, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। इसका जैसे आपने स्क्वायर किया तो हमने बताया था स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है, तो कितना आ जाएगा, 48 माइनस में 18, नीचे इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रूट हमारा कट जाएगा स्क्वायर से, बस इतना दिमाग में रखना है आपको। जैसे ही आपने इसको देखा कि हमारा 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो जैसे ही आप लिखते हैं 12 × 12 तो आपको पेयर में से लिया जाता है क्योंकि स्क्वायर, तो क्या है कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये रूट हमारा हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 माइनस, अब 54 के फैक्टर आपको निकालना होगा तो 54 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 27 9 3 3, तो कितने आ जाएंगे, 2 × 3 × 3 × 3। देखिए हमारा ये पेयर मिल रहा है, ये पेयर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 1 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 रूट में कितना हो जाएगा, 3 × 6 तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4
फोर इंटू में थ्री रूट में सिक्स इतना गया, प्लस अभी 96 के फैक्टर निकाल लीजिए, 96 के फैक्टर कितना निकले, दो चक्को और दो अट्ठे 16, 24, 12, 6, 3, 3 कितना निकला फैक्टर, 1, 2, 3, 4, 5 तो बुढ़े दो बुढ़े दो बुढ़े दो बुढ़े दो 1, 2, 3, 4, 5 गुड़े 3 तो आपके फैक्टर कितने, देखिए पेयर में से निकल के एक बाहर लेना है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, तो दो दुनी कितने हो जाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा और 3 दुना 6 अंदर रह जाएगा हमारा। देखिए 2 दुनी 4 हमारे ये दोनों के पेयर बन रहे हैं और ये दोनों के पेयर हमारे नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा अंदर रहेगा 3 दुनी 6 और ये 2 दुनी 4 हमारे एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 गुड़े 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 तो पहले से लिखा हुआ है, 5 इंटू में 4 रूट में कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, और ये माइनस आप 36 का स्क्वायर तो जानते हैं 6 होता है, 6 इंटू में 6 तो कितना आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू में 6। इतना आपको समझ में आया हो तो बता दीजिए, अगर न समझ में आया तो हम ये क्वेश्चन को दोबारा एक वीडियो में बनाकर आपको समझाएंगे, एकदम डिटेल में समझाएंगे, इस बार भी डिटेल समझा रहे हैं पर इससे अच्छा आपको समझाने की, अगर समझ में ना आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 48 से 18 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स से आपको सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। बच्चों को इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, बच्चों को 48 माइनस 34 12 रूट में 6 प्लस 25 20 रूट में 6 माइनस 30, देखिए हमारा ये रूट वाले मिल रहे हैं और ये दोनों मिल रहे हैं, तो नीचे क्या है आपका 30 है, जैसे ही आपने इसको आगे किया देखिए इससे इससे हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 40 से 30 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और इससे इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 20 से हमारा 12 चला जाएगा कितना आ जाएगा 8 और रूट में 6 वैसे ही आ जाएगा। ये आपको यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जैसे आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस, यहाँ आपका 30 आ जाएगा। आप देखेंगे हमारा ये 2 से हमारा कट रहा है, पहले 2 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 15, 2 से इसको भी काटेंगे 9, यहाँ 2 से काटेंगे तो 4, ठीक है ना, तो आपको क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 रूट में 6 अपान में कितना आ जाएगा 15, बस आपका यही आंसर होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में आप ये क्या कह रहा है, रूट में 2√6 माइनस रूट में 5 अपान 3√5। आपको हमने एक वीडियो बेसिक बनाया हुआ है इसी चैप्टर का, उस वीडियो को आप जैसे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में ऑटोमेटिक आने लगेंगे, और इसको आप अपने आप करने की प्रैक्टिस करिएगा तो ये समझ में आपको आएंगे ज़रूर, ठीक है। क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है तो यहाँ देखिए आपको माइनस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है प्लस से मल्टीप्लाई कराना है, इस बार 2√6 माइनस में रूट 5 अपान में 3√5 माइनस रूट 6 इंटू में किसका कराना है, इस बार प्लस का कराना है, 3√5 प्लस 2√6 अपान 3√5 प्लस 2√6, बस इस तरह आपको कुछ करना है, और जैसे ही आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई ध्यान से कराइएगा क्योंकि यहीं बच्चे गलती कर देते हैं और उनका आंसर नहीं आता है, फिर कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आया है ये है वो है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई इसका कराएंगे, देखिए कैसे कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले आप इसमें करा दीजिए, लिखे दे रहे हैं 2√6 मल्टीप्लाई किस कराना है 3√5, फिर इसका इसमें कराइए प्लस 2√6 किसका मल्टीप्लाई कराना 2√6, ये तो एकदम मैच ही कर रहा है इसमें से, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए माइनस
थ्री रूट में फाइव, और रूट में कितना हो जाएगा फाइव। देखिए यहाँ पर हमारे रूट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो रूट हमारा इस बार कट जा रहा है यहाँ पर। फिर माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस टू रूट में फाइव, और रूट में कितना हो जाएगा सिक्स, होगा कि नहीं होगा। अपान में क्या आ जाएगा आपके ए प्लस बी, ए माइनस बी वही रूल, तो थ्री अंडर रूट में फाइव का होल स्क्वायर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, माइनस टू रूट में सिक्स का होल स्क्वायर। बस सिंपल है एकदम। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, रूट से रूट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा सिक्स रूट में थर्टी प्लस, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे दो दूनी चार हो जाएगा, इनटू रूट से रूट हमारा इस बार क्या हो जाएगा कट जाएगा सिक्स आ जाएगा, माइनस इसका भी रूट से रूट हमारा कट जाएगा थ्री इंटू में फाइव, माइनस इस बार इसमें देखिए अलग अलग संख्या है तो रूट हमारा नहीं कटेगा, छप्पन्चे तीस आ जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा आपकी, इसका हमने बताया था ना तीन त्रुक नौ, नौ पन्ना पैंतालीस, तीन त्रुक नौ इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, तीन गुड़े तीन गुड़े अंडर रूट पाँच गुड़े अंडर रूट में पाँच, माइनस दो गुड़े दो गुड़े रूट में सिक्स, रूट में कितना हो जाएगा सिक्स। चलिए आगे करते हैं, ये कितना है हमारा सिक्स रूट में थर्टी प्लस छचो को चौबीस हो जाएगा, माइनस छपानते पंद्रह, माइनस टू रूट में थर्टी अपान तीन त्रुक नौ, ये रूट से रूट हमारा कट जाएगा कितना जाएगा पाँच, तीन त्रुक नौ पना पैंतालीस होगा कि नहीं, पैंतालीस पानते पंद्रह तो नहीं पैंतालीस होगा, पैंतालीस माइनस दो दूनी चार, ये कितना हो जाएगा सिक्स, इन दोनों का होगा दो दूनी चार छचो का चौबीस हो जाएगा यहाँ पर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को देखा आपने प्लस है और ये माइनस है, लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई होगी ही तो इसको क्या कर घटा ही दीजिए सीधा सीधा, और ये देखिए ये दोनों भी प्लस माइनस हैं इनको भी हटा दीजिए, तो चार से दो चला जाएगा कितना जाएगा छः से दो जाएंगे कितना जाएगा चार रूट में थर्टी, ठीक है। फिर प्लस माइनस ये प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस लगा कर चौबीस से जैसे ही आपने पंद्रह घटाया आ जाएगा नाइन, अपान में कितना आ जाएगा पैंतालीस से जैसे ही आपने चौबीस घटाया, देखिए पैंतालीस से चौबीस घटाएंगे कितना आ जाएगा एक और नीचे दो इक्कीस आ जाएगा, इक्कीस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल। यदि वीडियो आपको समझ में, इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। लाइक करने के लिए क्या बार बार करना पड़ रहा है आपको, अगर समझ में आएगा तो फिर भी लाइक तो करेंगे ही, कुछ लोग तो होते हैं बस वीडियो देखा आगे बढ़ गए, क्योंकि हम लोग तो आपके लिए ही बैठे हुए हैं। फाइव प्लस रूट में टू अपान थ्री माइनस टू रूट में सिक्स, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, क्या कह रहा है, वन प्लस रूट में टू अपान में थ्री माइनस टू रूट में सिक्स, देखिए इस बार आपको माइनस दिख गया तो आपको क्या करना है प्लस से में क्या करना है गुणा करा देना है, थ्री प्लस टू रूट में सिक्स अपान थ्री प्लस टू रूट में सिक्स। बस जैसे आपने देखा वन का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इन दोनों में कराएंगे तो कितना है वही आ जाएगा थ्री प्लस टू रूट में सिक्स, इसका इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा प्लस थ्री रूट टू, होगा कि नहीं होगा इसके से मल्टीप्लाई, और इसका जैसे इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस टू रूट में छः दुनाई बारह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वन है ना, दो एक कम दो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बारह, छः दुनाई बारह। अपान में वही सेम रूल, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी निकल के आ रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आपको सारे में यही दिखेगा सर, बस तुरंत आँख मूंद के यही कर देना है आँख बंद करके, तो कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट में सिक्स का स्क्वायर। बस ये क्या होगा आपका थ्री प्लस टू रूट सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस दो दूनी चार तीन बारह, देखिए बारह हमारा कट रहा है बारह दो छाँक बारह दो ताई छः, तो कितना हो जाएगा दो गुड़े दो
गुड़े में तीन। देखिए हमारा ये पेयर बन रहा है कि नहीं, रूट में, रूट में हमारा पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो टू रूट में थ्री आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, दो तो पहले से लिखा हुआ था, दो गुड़े दो गुड़े तीन, तो बस नीचे कितना हो जाएगा, तीन त्रिक नौ माइनस दो दूनी चार, इसका क्या हो जाएगा, दो गुड़े रूट में सिक्स गुड़े रूट में सिक्स, इतना होगा कि नहीं। तो जैसे आपने इसको लिखा थ्री प्लस टू रूट में सिक्स प्लस थ्री रूट में टू प्लस दो दूनी चार रूट में थ्री, अपान में कितना हो जाएगा, नौ माइनस दो दूनी चार छचों का चौबीस, ये सिक्स हो जाएगा कि नहीं हमारा, तो दो दूनी चार छचों का चौबीस, तो क्या आ जाएगा नीचे, थ्री प्लस टू रूट में सिक्स प्लस थ्री रूट में टू प्लस फोर रूट में थ्री, अपान में कितना आ जाएगा, चौबीस से जैसे ही आपने चौबीस से नाइन को घटाया तो कितना आ जाएगा, नौ पाँच चौदह एक पंद्रह, यानी कि माइनस का फिफ्टीन आ गया, क्योंकि इस बार माइनस की संख्या हमारी क्या बड़ी है, भारी पड़ रही है भाई इस क्वेश्चन पर। चलिए कर इतना ही, आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अब आपको अगले वीडियो में आपको 13 नंबर के क्वेश्चन सारे कराएंगे, वेरी इजी ट्रिक से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए तब मिलते हैं, बाय बाय।